दासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहम् दीनहीनं च त्वं विना न गतिर्मम अहेतुकीं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर दासं कुरु मे गुरु। परम करुणामय श्रील गुरु महाराज जी का हम लोग प्रणाम मंत्र श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों का सबका ही एक परम सौभाग्य था कि जब हम उनका संग कर पाए, साथ साथ महान दुर्भाग्य भी हुआ कि हम शारीरिक रूप से उनसे बिछुड़ गए। कल ही जो हमारे गुरुदेव का मूल स्थान श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, उनके जो आचार्य देव थे परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज, कल शाम को लगभग 6 बजे उन्होंने शरीर त्याग दिया। 6 और 7 के बीच में भागवत गोस्वामी महाराज जी भी किशोर अवस्था में मठ में आ गए थे। उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं सुना, लेकिन हाँ कुछ एक बातें हमारे वैष्णवों से श्रवण की, वो कुछ एक बातें याद हैं। उनको स्मरण करके आज उनको विदाई देंगे। हालांकि रात को ही उनका समाधि जो है संपन्न हो गया था, क्योंकि कोरोना का उत्पात है, कहीं कोई इन्फेक्शन इधर उधर ना फैले, इसलिए। तो हमारे एक गुरुवर्ग, उन्होंने बताया कहते कि जब वो मिलिट्री में थे तब तेजपुर में उनका आना जाना होता था। तो वहाँ पे तेजपुर में भागवत गोस्वामी महाराज जी जो भी रहेगा उसको बैठ के हरिनाम करना है, करना ही पड़ेगा, ऐसा नियम था। कार्तिक मास में 24 घंटे, मतलब जितने भी समय में हरिनाम कोई ना कोई बैठ करके तुलसी जी के पास में करेगा ही करेगा, ऐसा नियम बनाया था उन्होंने। और जिस समय कोई नहीं बैठता था, रात को तकलीफ होती थी, तब खुद उस समय मैक्सिमम रहते थे। वैष्णव सेवा के प्रति रुचि या लगाना लोगों को बहुत विशेष रूप से था। '88 या '89 की बात है, जब मैं वहाँ गया तेजपुर में, तब वो नाट्य मंदिर वगैरह इतना सब कुछ नहीं बना था, क्योंकि तेजपुर की इतनी इनकम नहीं थी उस वक्त। लोग आते जाते थे, इतना सेवा नहीं देते थे, तब थोड़ा पैसे की कमी भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि कुछ एक बार गुरुजी ने भी वहाँ पर सेवा भेजी,
लेकिन जब इस बार जब गुरुजी गए, हालांकि उस मीटिंग में हम लोग नहीं थे, हमारा बच्चे थे, हमारा अधिकार नहीं था जाने का, लेकिन गुरुजी ने हरि कथा में उसको डिस्क्लोज किया कि हमारे कुछ बाद भागवत गुरु जी जैसे बोलते थे महाराज का नाम श्रील भागवत भागवत गुरु महाराज के हम बोले थी कि एखने नाट्य मंदिर करें गेस्ट हाउस करें, तब गेस्ट हाउस वगैरह कुछ भी नहीं बना था, आरो जगह एक टू नैन और जगह लीजिए ऐसे करके गुरु जी, उस वक्त शब्द मुर्ख याद नहीं है लेकिन घटना याद है। तो उस वक्त गुरु जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप नाट्य मंदिर को अच्छे ढंग से बनाइए, गेस्ट हाउस बनाइए, लोगों के आने में असुविधा होती, रहने में असुविधा होती। तब भागवत महाराज जी ने बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़ के विनय किया, आप तो कृपालु हैं, आप कृपा करें, जैसे हो जाए आपके करने से हो जाएगा, आप बोलेंगे तो। तब भागवत महाराज जी को गुरु जी बोलते, आप सिद्ध पुरुष है तो एक दूसरे को जैसे ट्रांसफ़र करते ना सम्मान, ऐसे करते हुए देखा। तब गुरु जी ने जब उनको बोला कि आप, आपके बोलने से होगा, आप जिसको बोलेगा वो मना नहीं कर पाएगा, ये हमारे सामने की मतलब कथा में ही दोनों जन बोल रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही छोटा था, तो सत्रह अठारह साल का रहा होगा, इतनी उम्र होगी 17-18-19 साल। उसके बाद में मैं गया प्रणाम करने परम गुरु जी का, वहाँ पे भजन कुटीर है, वहाँ प्रणाम करने गया तो महाराज जी कहते, ऐ तुम तो हमारा गुरु जी को देखा। मैं कहा हाँ जी देखा। तो मैंने कहा महाराज जी, मैंने मेरे को ही मालूम पड़ा कि आपके पास गुरु जी की बहुत कैसेट्स हैं, परम गुरु जी की ऑडियो कैसेट्स हैं, तो आप मुझको दे दीजिए। हाँ तुमको दे दो, हमारा जो संपत्ति है वो तुमको दो, तुम इतना उत्तराधिकारी बन गया। मैंने कहा मैं आपको वापस कर दूंगा। ना ना, तुम लोग का पे किसी पे विश्वास नहीं। मैं कहा फिर क्या होगा, खराब हो जाएंगे, हम छाती पे लाद के ले जाएगा हमारा गुरु जी का वाणी। लेकिन उन्होंने बाद में दी, और कहाँ है वो रिकॉर्डिंग्स मालूम नहीं, मेरे पास तो नहीं मिली। तो देखा मैंने उनको, गुरुजी की जो भी वस्तु है, मतलब परम गुरुजी की जो वस्तु है उसके प्रति उनका कितना प्रेम, कितना सम्मान, कितना आदर, बहुत अद्भुत था। इस पे गुरुजी बैठे थे तो हम लोग थोड़ा बच्चे थे, तो लाडले टाइप होते ना, तो लाडले टाइप भी थे थोड़े, मैं तो चुलबुला था थोड़ा, तो जा करके महाराज जी के चरण दबाने लगा। हाँ हाँ मालूम है, अब उसके बाद कैसेट मांगेगा तो इतना उनका वो था। लेकिन मेरा ना माला करने में रुचि उस वक्त कम थी, तो मेरे को पूछते तुम्हारा माला तो देखा नहीं तुम्हारे हाथ में। मैं कहा महाराज जी वो हाथ गंदे मंदे रहते ना, तो शुद्ध कब रहता है, साफ कब रहता है, गंदा मंदा रहता है जब डालेगा तभी तेरा हाथ साफ होगा मतलब उसमें रखेगा तभी साफ रहेगा, नहीं तो। मतलब उन्होंने बैठा के अपने पास में हरि नाम करवाया, तो ज़्यादा संग नहीं करने पे भी एक चीज़ अद्भुत देखी, दोनों गुरु भाइयों का एक दूसरे के प्रति प्रेम। गुरुजी आए तो क्या सत्कार, क्या आदर। लेकिन उसके बाद भागवत गोस्वामी महाराज जी ने अद्भुत अपना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन मतलब अद्भुत सेवाओं को जगत में लेके आए। मतलब गुरुजी आ गए उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर
2 साल के अंदर तो उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया, 1991 में उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया, फिर नाट्य मंदिर बना दिया, मतलब फिर तो मठ ही एक तरह से नया तरीके से खड़ा कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में पैसा, क्योंकि जो लोग उनके पास आते थे सेवा के लिए, महाराज जी कुछ सेवा बोलो सेवा बोलो कहते, उनको बोलते तुम क्या सेवा कर सकता है, कहते महाराज आप बोलो प्राण दे दो, प्राण नहीं चाहिए, क्या सेवा कर सकते हो महाराज, देखो हमारे गुरु जी का स्थान इतना प्राचीन है, ये नहीं बना, इसको करो, कर सकता है, हाँ हाँ कर सकता है। ऐसे करके कितने ही मारवाड़ी, कितने ही बंगाली, आसामी, सबको उन्होंने सेवा में लगा दिया, और ऐसी सेवा में लगाया कि मायापुर में करोड़ों रुपया लगाया। जो रुपया के प्रति ध्यान नहीं रखते थे, जिनको पैसे का कोई वो नहीं था, अपने गुरु भाई के कहने पे, कितनी बड़ी बात है, गुरु भाई के कहने पे उन्होंने सेवा में ऐसे लगे कि पूछो मत, मतलब उनके बाद में फिर उनके एक और गुरु भाई परमार्थी महाराज, उन्होंने भी देखा कि भाई इतना पैसा लगाया, और भागवत गोस्वामी महाराज ने 2-3 जगह पे पैसे लगाए, इतना पैसा, तो दूसरे गुरु भाई जो हैं उन्होंने तो बहुत पैसा जमा करके रखा था तो किसी ने उनको बोला होगा क्या करोगे, छाती पर लाद के ले जाओगे, वैष्णव सेवा में भी नहीं लगता है, ठाकुर सेवा में भी नहीं लगता है ढंग से कम मठ की सेवा में लगाओ। तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया, मतलब जो कुछ था वो लगा डाला, मतलब संचय जो किया हुआ था सब लगा दिया। तो इस प्रकार से भागवत गोस्वामी महाराज का देखा कि उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने गुरु जी के स्थान के लिए उन्होंने मांगा भी। उत्सव महोत्सव के लिए चलो थोड़ा बहुत होता था, लेकिन उसके बाद तो मतलब जब तक, अब तक, कल तक कह सकते हैं, जिन जिन लोगों को उन्होंने सेवा में लगाया था, जहाँ वो लोग चले गए, मतलब भागवत महाराज जी का ऐसा लीला था कि कोई आया, मान लो महाराज जी बच्ची पढ़ने जा रही है, आप आशीर्वाद करो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा से जन्म देना, कृष्ण का स्मरण कर, राधा रानी का स्मरण करना, ऐसा जो भी आशीर्वाद देते, और वो जा कर के जब उत्तीर्ण होती, फर्स्ट क्लास पास होती, होता होती और होता जो भी जितने भी, तो वो स्टूडेंट्स, वो लोग पढ़ने वाले जब अच्छे अच्छे नौकरियों में लग गए, तब वो फिर ऋणी तो होता ही है ना बंदा, कि पहले हमेशा ही सेकंड या थर्ड डिविजन्स आती थी, और फर्स्ट डिविजन्स आए उनके बाद में, कृपा के बाद में। तो कुछ ऐसा महाराज जी का था वाक सिद्धि टाइप में, वाक सिद्धि जानते हैं, वाक सिद्धि क्या होता है, जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा, तो ऐसा उनका था। तो उन्होंने जिस जिसको आशीर्वाद दिया वो हुआ, और लोगों ने बोला आपने बोला इसलिए हुआ, कहते नहीं तुम्हारे भाग्य में था इसलिए हुआ, हमारे बोलने से तो अभी हमको ले जाए भगवान तो लेके नहीं जाता तो मतलब बड़ी सरलता के साथ में उन्होंने लोगों को लगाया, जो जो जहाँ जहाँ भी था। आज उनके हृदय में बहुत बड़ा खेद होगा, दुख होगा, कि उनकी जिनकी कृपा से आज वो जिस मुकाम पे पहुँचे, वो उन्हें छोड़ के नित्य धाम में प्रवेश किए हैं, सबके लिए दुखदाई का दुखदाई समय है। एक दिन 2-3 बार मेरे से डायरेक्टली उन्होंने कुछ वार्तालाप किया था, आज के दिन उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पण करते हुए उस वार्तालाप को मैं बोला नहीं, लेकिन अब बोलता हूँ। 2003-04 में कुछ एक ऐसी लीला हुई, लीला मैं इसलिए कहता हूँ कि जो हम ना चाहें
वो घटना घटे और वो घटना रूप बढ़ता ही जाए उस घटना का, तो उसको मैं लीला ही कहता हूँ। क्योंकि कल्पना में भी नहीं होता कि भाई ऐसा करूँ, ऐसा होना है, ऐसा करना है। जो चीज़ कल्पना में ना हो और वो चीज़ घटती जाए, तो ये भगवत इच्छा या माया की इच्छा या रिएक्शन ऑफ द एक्शन होगा, यही हो सकता है। तो ऐसी वो घटना थी तो जिससे हृदय में बड़ा दुख था। लेकिन 2005 में चार पांच मतलब लगभग दो साल, डेढ़ दो साल बीते थे, तीन में घटना, चार में, पांच में, ऐसे जो भी हुआ, तो पांच में हम लोग मायापुर परिक्रमा में, नवदीप धाम परिक्रमा में गए। परम गुरु जी का शतवार्षिक महोत्सव बहुत विराट परिकल्पना की कि हो, उसे देख के भागवत गोस्वामी महाराज जी को ना बड़ा दुख हुआ। खुश होना चाहिए, दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? मेरे को बोलते हैं, मैं पास में गया, मेरी ठोड़ी को हाथ लगा के बोलते हैं, ए पागला, तू क्या करता है, ये सब छोड़ दे। मैंने कहा क्या क्या छोड़ दूँ बोलो, ये सब झगड़ा छोड़ दे। मैं कहा महाराज मैंने झगड़ा नहीं किया। तब उन्होंने मेरे को फिर द्वारा प्यार करके बोला, देखो हरि नाम करो, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। तुम इतना सेवा करते हो, इतना अच्छा उत्सव किया हमारे गुरु जी का, हम अंतरात्मा से प्रसन्न हैं, अंतरात्मा से प्रसन्न हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ को, कुछ समझ आया तुम्हारे? अंतरात्मा से प्रसन्न है कि हमारे गुरुदेव का उत्सव इतना सुंदर हुआ। उन्होंने कहा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना सुंदर हुआ, लेकिन दुख ये हो रहा है कि तुम लोग बिछुड़ रहे हो। हमारे जो गुरु भाई थे, हम लोग थोड़ा सा बिछुड़ रहे थे, तो वो देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ। होता ही है, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, उनके हृदय में कष्ट तो हो गए। तो कहते सब छोड़ दो तुम, ये सब छोड़ करके। मैं कहा महाराज मैं, मेरी आदत ही नहीं है किसी की निंदा चर्चा करने की, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो भी हजारों लोग, जो भी सैकड़ों लोग इसको सुनेंगे, आप रिकॉर्ड में रख लीजिए, मैंने किसी की भी निंदा कभी करने की प्रयास ही नहीं किया। प्रसंग बस अगर दो चार बातें बोली भी, तब भी मैंने उसे कवर ही किया कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। किसी के निंदनीय कर्म को उठा करके उसको नीचा दिखाने का प्रयास जो करता है, वो क्या भगवान को प्राप्त करेगा? मतलब भगवत प्राप्ति कहाँ से हो सकती है उसको? यदि मैं किसी को, किसी के दोष देख करके उसको सामने से देख रहा हूँ, तो भगवान मेरे गुण कहाँ से दर्शन करेंगे? भगवान के सामने मैं पहुँचूंगा कैसे जब दोष मेरे सामने होंगे किसी के? मान लो मेरे सामने किसी के दोष हैं, मैंने अपना पर्दा कर रखा है, तो मैं सूरज को कैसे देखूंगा? संभव है? बादलों को अगर अपने आंखों के आगे किया हुआ है, बादलों की छाया में अगर मैं हूं, तो मैं सूरज को नहीं देख सकता। तो इसी प्रकार से संसार में महाराज जी इस बात पे बहुत, भागवत गोस्वामी महाराज जी इस बात पे बहुत जोर देते थे, किसी की निंदा मत करो। उनको किसी ने शायद बोला कि भगवान दास तब संन्यास हो चुका था, वो जो है वही है मेन। तो उन्होंने मेरे को अपना बच्चा समझ के शासन किया। तो जब वो मान नहीं रहे थे कि भी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने कहा अच्छा महाराज जी मैं आपको वचन देता हूँ मैं नहीं करूँगा। हाँ, फिर तो थोड़ा अच्छे ढंग से प्यार किया। कहते हरि नाम करो, हरि नाम के प्रति उनकी
अत्यंत निष्ठा थी, और वैष्णवों की भी है, लेकिन जो उनका देखा एक नियम अद्भुत था, वो डेली उनका रूटीन था, अपना मंगला के बाद में, मंगला से पहले स्नान वगैरह कर लेते थे, मंगला के बाद में ठाकुर जी के सामने बैठ जाना उन्होंने, वो ठाकुर जी के मंदिर मार्जन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो अपना हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ऐसे करते रहेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलते रहेंगे, मतलब सवेरे मंगला के बाद बैठने के बाद में लगभग वो 10 बजे उठते थे, तुलसी जी साथ में रखते थे, अद्भुत था नियम, ये नियम तो आखिरी तक नहीं उनका छूटा, जब तक टोटल बेड रेस्ट नहीं हो गए तब तक नहीं छूटा, तो वो उन्होंने मेरे को बोला हरि नाम करो, करो हरि नाम करो, अमर सामने करो करो बोलो हरे कृष्ण, अरे ऐसे नहीं, अरे मैं बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, मैंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, वो बोल रहे हरे कृष्ण हरे, ठीक, मैं महाराज अपनी आपने मेरे को हरि नाम दे दिया, बदमाश अरे तो प्रत्येक वैष्णव के अंदर गुण विद्यमान है, माया के प्रभाव से कुछ दोष दिखलाई देते हैं, परंतु बुद्धिमान वही व्यक्ति है, ये बात महाराज जी ने कही थी, बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो गुणों को ग्रहण करे, वो है ना श्लोक उपदेशामृत में, क्या है स्वभाव दोषेर ब्रह्मावगत नीर धर्मे दृष्ट्वा स्वभाव जनितेर दोषे प्राकृतम ना भक्त जनस्य पश्येद गंगाम भसाम न खल गुदु गुदु फेन पंके ब्रह्म द्रवत्वम अपगछति नीर धर्मे, वैष्णवों में भक्तों में दोष जो दिखलाई देता है वो दिखने पर भी उनकी वैष्णवता नष्ट नहीं होती, ये मैं दोषी व्यक्ति के दोष को ढकने के लिए नहीं बोल रहा, बात समझ रहे हैं, दो चीजें हैं, एक है पूर्णतया दोषी ही व्यक्ति है वो वैष्णवता का अभिनय कर रहा है, एक वो है, और एक है वैष्णव है मगर उसमें कुछ एक दोषों का प्रभाव दिखलाई देता है, बात समझ रहे हैं, एक नाला है और एक गंगा है, गंगा में जब नाला कई बार प्रवेश करता है तो क्या होता है झाग सी बनती, गंगा में क्या दिखलाई देता है झाग दिखती है ना, झाग ऊपर से झाग कहीं से नहीं बन के आती, ये बात समझ लेना, गंगा जी गंगोत्री से चल के हरिद्वार तक आती, वहाँ झाग कहीं नहीं होती, वो जैसे जैसे नीचे उतरती जाती हैं वैसे वैसे और इधर उधर के तालाबों को इन उनको सबको ले लू करके मिक्स होकर के जब पानी आता है तो वो बड़ा ही मैटेला पानी होता मिट्टी वाला और उसके अंदर झाग होती है, बारिशों में देखने को मिलता है, तो वो झाग को देख करके अगर कोई ब्रह्म द्रव जो ब्रह्म है वो द्रव के रूप में आए, ब्रह्म द्रवीभूत हो, ब्रह्म तो निराकार है ना, ब्रह्म क्या है निराकार है, तो निराकार ब्रह्म जब द्रवीभूत रूप से आए अर्थात जब वो दर्शन देने लगे तो वो द्रव्य रूप हो जाता है,
निराकार ब्रह्म, प्रकाशमान ब्रह्म, द्रविभूत ब्रह्म। उससे पहले क्या था? निराकार में शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म था, और वह शब्द ब्रह्म जो है वो जब प्रकाशमान हुआ, वही शब्द जब प्रकाशमान हुआ तो अग्नि स्वरूप से पंच महाभूतों के अंदर आप इसे देख सकते हैं। मूल रूप से आकाश, उसके बाद हवा, वो वाइब्रेशन शब्द के रूप में, और वो वाइब्रेशंस के बाद में अग्नि स्वरूप से प्रकाशमान, और अग्नि स्वरूप के बाद में जल स्वरूप से द्रव्यमान, ठीक है, और उसके बाद में वह मिट्टी के रूप में, मतलब ब्रह्म दारू, दारू का मतलब शब्द जो भगवान जगन्नाथ जी, विग्रह भगवान का। तो इस तरीके से पंच तत्वों के अंदर भी ब्रह्म का जैसे प्रकाश देखा जाता है, तो उसमें द्रवीभूत जो ब्रह्म है वो गंगा जी है, ठीक है, यमुना जी है। कैसे? वो भगवान के चरणों को जब स्पर्श किया जल ने, स्पर्श करने के बाद जल के, वह जल भगवान की उस दिव्यता को लेकर के प्रकट हुआ है, उस पवित्रता को लेकर के प्रकट हुआ है, और उसका वो पवित्र करने वाला गुण कभी नहीं खत्म होता, भले ही उसमें हजार तरह की चीजें दिखलाई दे रही हों, घास फूस आ रहा है, डुबकी तो लगाई सिर के ऊपर झाड़ उगाया, ऐसा होता है ना। तुम लाल साथ हुआ? कभी नहीं हुआ। हमारे साथ हुआ, गोकुल महावन में ब्रह्मांड घाट पे हम नहाने के लिए गए तो डुबकी लगाई, मैं थोड़ा सा कोशिश करता था दो चार सेकंड भीतर रहूं पानी के, लगाई, जैसे ही निकला सिर पे झाड़, मुझे जो होते नहीं वो कीचड़ में नहीं होते ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्तों वाले, वाटर फिल्टर होते हैं पानी को साफ करने वाले, तो वो तो वो देखने के बाद में कोई व्यक्ति उसको अगर कहे कि अरे गंदा हो गया, अरे पीना नहीं, अरे आचमन नहीं करना, अरे बाहर निकला, तो वो व्यक्ति एक तो अपराध करता है, स्वभाव बपूर धर्मे, शरीर के स्वभाव के कारण कभी किसी वैष्णव का कुछ दोष दिखलाई दे सकता है, शरीर के स्वभाव के कारण दोष दिखलाई दे सकता है, तो उसके कारण से उसकी निंदा नहीं करनी। ये बात गुरुजी बोलते थे, भागवत गोस्वामी महाराज ने भी ये बात बोली, लेकिन इसमें मैंने एक बात बोली कि महाराज अगर हम आप बोलेंगे, अच्छा चलो हम नहीं बोलते, आप तो बोलो, तो बोले तुम्हारे गुरुजी बोलेंगे। मैंने कहा कमाल हो गई, एक दूसरे के ऊपर डालते रहो, बात ऐसे कैसी रह जाएगी, उससे तो नुकसान हो जाएगा। कहते तू अपना फायदा देख, अपना चरखा में तेल लगा, जो गुरुजी ने बात बोली थी ना वही बात, लगभग वही बात, एज इट इज़ तो नहीं मेरे को याद, लगभग वही बात, तू अपना हरिनाम कर, भजन कर, तेरा अधिकार नहीं है किसी को शोधन करने का, ठीक करने का। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने वैसे पहले भी नहीं चर्चा की थी, उसके बाद भी चर्चा नहीं की, और मेरे जीवन में शायद ये जब चर्चा नहीं होगी, आएगा थोड़ा सा हिंट जरूर आएगा, मगर कभी चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा गुरुजनों ने हमारे हित के लिए बातें कही हैं, है ना। तो उसके बाद ये एक इंटरेक्शन हुई थी, थोड़ा लंबा टाइम बैठा था, फिर उसके बाद में हाँ 2005 में ही हमने एक भंडारा करना था, भंडारा मतलब परम गुरु जी के 100वें साल पूरा हुआ है 2004 में, तो भंडारा बड़ा होना चाहिए, ये सोच करके हमने खुला भंडारा, जो आए वो खाए, गेट खोल दो, बोलते रहो आओ जी आओ प्रसाद, पाओ जी पाओ, आओ जी आओ प्रसाद, ऐसे। तो खिचड़ी का ये सोचा था, पहली बार अपने जीवन में इतना सामान खरीद के लाए। हमारे दो तीन गुरु भाई साथ में थे उस समय जिन्होंने सेवा में योगदान किया, जिसमें से दामोदर महाराज
और हमारे साधु महाराज ये सब लोग उसमें थे। कहाँ बज रहे? तो खैर, पतित पावन गुरुदेव महाराज की, तो वो उत्सव में बड़ा विशेष खर्चा हुआ था। तो उस वक्त महाराज जी ने जो जो बातें कहीं वो दिमाग में हैं, शब्द तो नहीं लेकिन भाव उसके पूरे के पूरे हैं। तो उस वक्त भंडारे के लिए हमें वो बर्तन चाहिए थे, और भंडारा महाप्रभु जी के आविर्भाव के नेक्स्ट डे जब सब लोग जाते हैं तब भंडारे में बर्तन चाहिए। तो मठ के जो उस वक्त थे उन्होंने बोला हमारे पास तो बर्तन है नहीं। तो मेरे बर्तन नहीं है मतलब इतने बड़े बड़े बर्तन हैं, आप दो बर्तन हमें दे दो, बड़े बड़े कड़ाए। कहते नहीं है। मेरे को आया, मैं थोड़ा सा, मैंने भागवत महाराज को बोला, महाराज बुलाओ, महाराज को महाराज आए। मैंने कहा मुझे बताओ ये मेरे बाप का जन्मदिन है या आपके बाप का। थोड़ा सा मैं उग्र रूप धारण किया, मैं कहा मेरे बाप का नहीं आपके बाप का, करना आपको था, आपके पोत मतलब आपके बेटे ने किया, पोता कर रहा है और उसमें आप लोग ऐसा कर। तो उन्होंने बड़े प्यार से एक चीज़ समझाई, कहते देखो मठ इंचार्ज, वो दोनों बैठे हुए थे, मठ इंचार्ज सोच करके ही करता है, तुम तो सारा बर्तन ले लेगा। तो फिर यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं 1000-2000 लोग, उनका खाना कहाँ से बनेगा? मैं कहूँ उनको भी वही खाने दो, खिचड़ी खाने दो, खिचड़ी बनानी थी और कुछ नहीं था, खिचड़ी और चटनी ये दो थी। तो भंडारे में ऐसा ही होता है, हजारों लोग आएंगे तो क्या खाएंगे, तो उनको ये खाने दो। कहते होगा? मैंने कहा हाँ जी, जब सारी दुनिया के लिए होगा क्यों नहीं होगा। तो बोले कि भाई अब जो आए हुए हैं जाने के टाइम पे थोड़ी ना उनको खिचड़ी खिला के भेजेंगे, चावल बनेगा, ये बनेगा। मैंने कहा रखो अपना ये ढोल ढप, मैं जा रहा हूँ खरीद के लाऊँगा और करूँगा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, आता हूँ मैं। उन्होंने देखा गुस्सा हो गया, मैं अंदर से गुस्सा नहीं था, थोड़ा ऐसे दिखलाया निकल गया। साधु महाराज तो संन्यास नहीं हुआ था, बुलाया उनको अब भी जाओ और जा करके खरीद के लाओ। क्या? मैं ऐसा ऐसा। अच्छा ठीक है। अरे दो एक ब्रह्मचारियों को बुलाया और जाओ लेके आओ। देखा भाई लड़का इससे पहले देख लिया ना, उत्सव इतना बड़ा हुआ है तो गुरु जी की कृपा से हुआ, तो भाई ये ले भी आएगा। अरे रुको रुको रुको, मारे तुम तो गुस्सा हो गया। मैं गुस्सा? मैं गुस्सा कसम से बोलता हूँ गुस्सा नहीं था। मैं गुस्सा, मेरे बाप का जब आएगा ना तब देखना, मतलब मेरे गुरु जी का जब होगा, आपके पिताजी का है, आप ऐसा कर। कहते बाबा तू समझता क्यों नहीं है, फिर दो तीन थप्पड़ मारे ऐसे खींच के, समझता क्यों नहीं है। अरे बाबा मठ का खाना पर भोग का। मैंने कहा महाराज जी वो हम पहले बना देते हैं, एक लॉट जो हम पहले निकाल देते हैं, चावल निकाल दिए, चलो छोटे हाँ ऐसा कर लो। मैं ठीक है चलो चलो लगाओ। मैंने साथ में महाराज को आप मारे हुए जो हो गए कान कहते हो गया। मैं हाँ मैं ऐसे करके गुट दिखाए हो गया। तो कहते ठीक है ठीक है। तो वो एक घटना से महाराज जी के अंदर जो है ना प्रीति ही थी, लेकिन कई बार जो है ना वो ऐसा प्रीति को निकालने के लिए भी कई बार थोड़ा सा करना पड़ता है। खैर जो हमारे 2011 में हमारे गुरु महाराज जी का 50वां साल संन्यास हो गए थे उनको,
2011 61 में संन्यास हुआ था, 1961 में, 1946-47 में गुरुजी मठ में आए थे, 61 में संन्यास हुआ था, 50 साल पूरे हो रहे थे। तब मैंने गुरु महाराज जी से निवेदन किया कि ऐसे ऐसे मेरी इच्छा है कुछ करने की। गुरु जी ने बड़ी प्यारी बातें बोली, वो जो गुरु जी की लीला में होगा तब बोलेंगे। यहाँ भागवत गोस्वामी महाराज जी, तब तक उन्होंने बहुत कुछ बना दिया था मायापुर में, बहुत कुछ कर दिया था मायापुर में, मतलब बहुत कमरे, बहुत कुछ बना दिया था वो। मतलब 89 से शुरू हुए तो फिर धीरे धीरे, पहले तो उस मठ को बनाया, फिर वो दूसरे को, ऐसे करते करते उन्होंने सर्वभोग मठ, ये मठ, वो बहुत जगह उन्होंने काम किया। ठीक है, तो वहाँ पे विराट उत्सव हुआ 2011 में, तो उसको देख करके, अरेंजमेंट देख करके महाराज जी बड़े खुश हुए कि मतलब क्या अरेंजमेंट है जो भी है। तो मेरे को बोलते, ए लाओ हमको दो, कुछ पैसा दो। मैंने कहा आप तो पहले कभी मांगते नहीं थे, आप पैसा मांगने लग गए, आप तो दाता हो, देने वाले, आप दो, आपके गुरु भाई का है, आप दो। कहते ए नाटक नहीं कर, इधर आ। कान पकड़ लिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कोई वैष्णव कान पकड़ता था। दे, मैं कहा कान काट लीजिए, देगा नहीं बदमाश मैंने कहा महाराज जी आप सोचो कि अब मैं किसी गुरु भाई से, 2011 की बात है, साथ में हम लोग निकले थे, मैं किसी गुरु भाई से मांग नहीं सकता। कोई मैंने मठ से पैसा लेके भागा ऐसा कोई नहीं बोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है ये बात बोल दे। और आप उसके बाद में उत्सव हुआ और आप पैसा मांग रहे हैं, कहते हमको ये बनाना, गुरु जी का ये करना, वो करना, उनके 10 काम और थे राधा कुंड बनाना, ये करना। मैं कहा आप दो, देना है तो मैंने ना उनका हृदय देखा, मतलब थोड़ा पहली बार देखा मैंने, मेरे को थोड़ा दुख लगा। उन्होंने गले से लगाया, मतलब प्यार किया, प्यार करने के बाद उनकी आंखें भर गई थी, ये अक्सर देखा नहीं, मतलब आंखें भरते हुए थोड़ा गदगद स्वर से उन्होंने बोला, तू वापिस आ जा, तेरे जैसा बच्चा छोड़ के चला गया, तुम ही लोग हमारा भविष्य हो, तुम कहाँ चले गए, वापिस आ जा। मैं कहा महाराज मैं कहीं नहीं गया, देखो ना उत्सव कितना बढ़िया हुआ, तो अब मैं तो मठ में ही हूँ। कहते नहीं, नाटक नहीं कर, वापिस आ जा। मैं कहा महाराज जी आप मेरे स्वभाव को जानते हो, मैं बाहर रहूँगा तो ठीक रहूँगा, मैं बाहर हूँ नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते तुम। मैं कहा ठीक है, आप, मैं 2-3 महापुरुषों के नाम बोले कि आप उनको बोलो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, चलो छुट्टी। तो कहते क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा आप उन्हीं से बात कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ, और क्या, खत्म कर रहे, छुट्टी। मैंने इन लोगों को बोल दिया कि भाई मैं अब नहीं आऊँगा, तुम लोग संभालो तीर्था को, ठीक है अभी वैष्णवों की इच्छा है। अब और जो महापुरुष लोग थे उनको बोला, कहते भाई वो गया है, उसको करने दो, जो भी उन्होंने बोला होगा, उनसे आपस में जो वार्तालाप हुआ होगा, मैं नहीं जानता उस वार्तालाप को, भी गया है करने दो उसको, अपने गुरु जी का नाम प्रचार करेगा, जो करेगा वो करेगा, यहाँ पे रह के तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि मठ का एक नियम है, मठ के जो फाउंडर हैं गुरुदेव भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज, उनका ही नाम मुख्य रूप से रहेगा, गौण रूप से जो उनके बाद के आचार्य हैं ऐसा रहेगा, ये सिस्टम बना हुआ है। तो वो चीज़ चलती थी, और हमारे यहाँ पे गुरु जी ही मुख्य रूप से हैं, बाकी नाम सेकेंडरी हैं। तो ये बात समझे नहीं, एक तरफ परम गुरु जी का ही नाम मुख्य, एक तरफ गुरु जी का ही नाम मुख्य, तो वो एक बात थी। तो हालांकि पुजारी जी
हमारे दामोदर महाराज ये सब लोग नाराज हो रहे थे कि वे ऐसे कैसे तुम जो चले जाओगे। तो मैंने कहा भाई मैं आता जाता रहूँगा, टेंशन ना लो, ये रहने दो, अगर उनकी इच्छा है तो वैष्णवों की, ये सोच करके। लेकिन मैं उसके बाद मौका नहीं मिला, मैंने फिर डायरेक्ट उन वैष्णवों से महापुरुषों से बात की कि ऐसे ऐसे महाराज ने बोला है और आपकी क्या इच्छा है, क्या राय है। तब कुछ लीला हुई जो भी हुआ, तो उसमें उन्होंने बोला देखो तुम तो बाहर हो ही नहीं, वो तो हमारी ही शाखा है। परम पूज्य निष्किंचन महाराज ने बोला तो हमारी ही शाखा है। तो मैंने कहा ये मान लीजिए ना आप राइटिंग में चाहते, मैं राइटिंग में दे दूं। तो उसी साल गुरु महाराज जी फिर 2011 में यहाँ पर आए थे, और 2011 में जब आए तो हमने राइटिंग में गुरु जी को वही निवेदन किया कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसके मालिक हैं, जो भी उस वक्त लिखता है एज इट इज़ तो वहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। तो गुरु जी ने नीचे लिखा तुम लोग गोवर्धन में रहोगे ऐसा संकल्प देख करके मैं अति प्रसन्न हुआ, संतुष्ट हो गया, मतलब मैं संतुष्ट हूँ तुम लोग यहाँ रह रहे हो। मैंने कहा बस यही आदेश है और क्या। तो कहने का मतलब कि भागवत महाराज जी ने बड़ी इच्छा जाहिर की। जब सन 2000 की बात है, विष्णु महाराज जी का जब संन्यास होने लगा था, चंद्रशेखर प्रभु चिदघनानंद दास ब्रह्मचारी जब उनका संन्यास होने लगा था, तो उस वक्त उन्होंने भागवत गोस्वामी महाराज ने मेरे बोला मेरे को देख करके इसको भी संन्यास दो महाराज, ऐ इधर आओ। तो मैं गया सामने, मैंने बेवकूफ़ी की जैसे कई लोग करते हैं, गुरु वर्गों के आगे भी बोलते हैं, खटर खटर करते हैं, सुनते ही नहीं उनकी बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं। इधर आओ तुम्हारा संन्यास होगा। गुरु जी बड़े प्रसन्न होकर के, गुरु जी ऐसे तो दोनों जने ऐसे बात कर रहे थे तो मैं उधर था, उन्होंने इधर से बुलाया, गुरु जी उनकी तरफ देख के बात कर रहे थे तो मेरे को देखा, उनको फिर देखा बुलाया, तो मैं वहीं खड़ा होकर बोला, मैं गुरु जी मेरे की तरफ देखे जैसे बड़े मुस्कुराते हुए कि हाँ भाई संन्यास के लिए हाँ करेगा। मैंने कहा महाराज जी मैं संन्यास नहीं लेना चाहता, मेरे को बाबा जी बेच दे दीजिए। गुरु जी ने ना चेहरा ऐसे किया, मतलब जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे में अचानक से मैं प्रणाम क्या भाग गया। ये गलत था, बहुत ही बेवकूफ़ी वाला ये मेरा जवाब था। मेरे को अपनी बातें अपनी मूर्खता लोगों को बताने में कहीं कहीं भी कोई भी शर्म नहीं है। इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ, कम से कम इस चीज़ से ये समझिए, उद्दंड मत हो ये मेरी बात को सुन करके, मेरी गलतियों को देख करके अपने जीवन में गलती करने का लाइसेंस मत लीजिए। मैं अपनी गलतियों के साथ में जो मुझे शिक्षा मिली है वो बतलाता हूँ, जिससे कि उस शिक्षा को ग्रहण कर पाओ अगर तुम गलती कर रहे हो तो। ये मेरे से गलती हुई जो मैंने उद्दंडता से उनको बोला, तो आप भी बोल रहे हैं कि आपने तो बोला था मेरा क्या, हम आप बचपन में ऐसे थे हम भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं करना। ये शिक्षा देने के लिए ये बात मैं बोलता हूँ। मेरे को हालांकि मेरे गुरु भाई जो बहुत ही हितेची हैं मेरे, वो लोग बोलते महाराज आप अपनी कमियों को ना बोलो, लोगों की आदत सिर्फ कमियां देखना है, गुण देखना नहीं है। आप कृपया हाथ जोड़ के बोला उन्होंने, निवेदन करके बोला उन्होंने, मेरे अतिशय प्रिय हैं आप सब जानते हो कि आप ये सब मत बोला करो। तो परंतु मैं इसलिए बोलता हूँ उनकी बात ना मानते हुए कि जिससे आपको मालूम पड़े कि ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे को अपने पे बहुत ज़्यादा उस वक्त दुख हुआ कि मैंने गुरुजी की उस आदेश को, जहाँ उस इच्छा को, गुरुजी ने नहीं बोला था डायरेक्टली, भागवत गोसाई महाराज ने बोला
गुरुजी ने सिर्फ एक मुस्कान से मेरी तरफ देखा और मैंने सन्यास को साइड में रख के बाबा जी वेश के लिए आग्रह किया तो गुरु जी ने ऐसे देखा, मतलब ये क्या बोला, इसको समझ अक्कल नहीं है, अक्कल कब आएगी। हालांकि बोला नहीं गुरु जी ने, मैं अपने फील करता हूँ कि गुरुवर्ग बोल रहे हैं, किसी की रिकमेंडेशन होती नहीं है सन्यास के लिए, आगे पीछे लगे रहते हैं हमारा सन्यास हो जाए हमारा सन्यास हो जाए। वो सामने से दो जने बैठे हैं, दोनों महापुरुष, मतलब देखिए वर्तमान के आचार्य वो थे, पहले आचार्य अभी उनसे पहले गुरु जी थे, एक तरह से दो आचार्य बैठ के बात कर रहे हैं, उसके बीच में मैंने बेवकूफी की, नहीं तो मेरा सन्यास विष्णु महाराज जी के साथ होता। लेकिन 2 साल बीच में बीते, 2003 में फिर गुरु जी ने स्वयं इच्छा से, फिर भागदूर साहिब महाराज जी वगैरह ने किसी ने रिकमेंडेशन नहीं की, तो स्वयं इच्छा से, क्योंकि 2002 में हम लोग थे वहाँ जगन्नाथपुरी गए हुए थे, तो मैं और विष्णु महाराज हम लोग दर्शन करने के लिए गए, तो अक्षय वट जो है उसका एक पत्ता उठाया मैंने, नीचे गिरा हुआ था, उठा करके तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार अब दिल करता है कहीं नहीं जाना, कोई निर्जन नहीं, भजन नहीं, कुछ जो है गुरु जी की सेवा में अपने आप को समर्पित, मठ में ही रहना है। कहते पक्का पक्का, तो देख ले बट अक्षय वट के नीचे बोला, देख ले फाइनल बोल। उनको तो ये था ना कि भाग जाएगा ये। मैंने कहा फाइनल इसमें क्या है, मैं कहा मेरे हाथ में पत्ता है, गुरुजी को छोड़ के अब कहीं नहीं जा रहा। कहते देख ले पक्का ना, तो उनको ये था कि अगर ये गुरुजी को ही बात बोल दी जाए और ये गुरुजी के सामने वचन ले लेगा तो ये हिलेगा नहीं, इतना पक्का था। तो आके उन्होंने गुरुजी को बोल दिया, कहते मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, मैंने बोल दो। उन्होंने आके गुरुजी को बोला, महाराज जी आज भगवान दास ने ऐसे ऐसे हम दर्शन करने गए थे वहाँ पे, उसने ऐसे ऐसे बोला कि वो अभी जो है मतलब निर्जन भजन के लिए कहीं भी गुरु जी को मतलब मठ को छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा तो उसका संन्यास होगा, कोई और क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, सीधा उसका तो उसका संन्यास होगा। तो हमारे जैसी आप बस उसके नेक्स्ट ईयर 2003 में गुरु ने अपनी इच्छा से कि भाई तुम्हारा तो संन्यास है ठीक है, मर जा आपकी जैसी इच्छा। ऐसे प्रकार से भागवत महाराज जी का अगर उस वक्त आदेश मानता तो उन्हें ज़्यादा प्रसन्नता होती कि मैंने बोला, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने ऐसा नहीं किया, जाने अनजाने में, अनजाने में तो शायद मैंने कोई अपराध नहीं किया, जानबूझ के शायद, अनजाने में भी हो सकता है किसी ने कुछ बोला हो, महाराज जी के हृदय में दुख पहुंचा हो, तो मैं अपने हृदय से प्रार्थना करता हूँ, हे श्रील भागवत गोस्वामी महाराज जी, आप ठाकुर जी के धाम में जा रहे हैं, आप कृपा करें कि मेरे अपराधों को क्षमा करें, आपके विशेष हरि नाम में रुचि का कुछ अंश मुझे प्रदान करें। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य पाद ओम विष्णु पाद 108 श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की। आज श्री अभिराम ठाकुर जी का तिरोभाव भी है। मंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अभिराम ठाकुर जी जो हैं श्रीराम के अवतार हैं, कौन से सन की बात है मुझे मालूम नहीं, तब दंगे चल रहे थे पंजाब में, वो रिजर्वेशन वाला चालू हुआ था ना, रिजर्वेशन कौन से सन में था, बीपी सिंह जो भी है प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, उस समय रिजर्वेशन जो आयोग था वो, तो उसमें बहुत दंगे चल रहे थे, जो भी सन था मुझे याद नहीं। तो गुरु महाराज जी लुधियाना में थे, यही दिन आज के दिन गुरु जी ने
ये मैंने कहीं बोला नहीं, आज मैं बोल रहा हूँ। गुरु जी ने अभिराम ठाकुर का जैसे ही नाम लिया मैं रोने लगा। अनूप जी के घर में, अनूप अरोड़ा उनके घर में अभिराम ठाकुर जी का नाम लिया, मेरे आंसू निकल आए। क्यों निकल आए मैं नहीं जानता, और गुरु जी मुझे ही देख के हरी कथा कर रहे। जैसे जैसे बतलाया अभिराम ठाकुर ही श्रीधाम सखा हैं, उस मतलब मुझे नहीं मालूम था क्या मेरा संबंध है, बाद में उनकी कृपा से पता लगा जो भी संबंध है। तो ये आज अभिराम ठाकुर जी का तिरोभाव है, उन सबका सौभाग्य है कि अभिराम ठाकुर एक ऐसे महाप्रभु के पार्षद हुए कि जो कृष्ण को ढूंढते हुए यहाँ आए वृंदावन में। तो लोगों ने उनसे बोला कि वो तो चले गए कहाँ, कहाँ गए, नवदीप धाम। तो उसमें अभिराम ठाकुर श्रीधाम सखा ऐसे कुछ लीला है, तो लीला स्मरण नहीं, देख के उसको शाम को पुजारी जी आपको बताएंगे। तो आज उनके भी अभय चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना है कि आप कृपा करें कि ठाकुर जी की सेवा आपके दासानुदास जनों के अनुगत में कर पाऊँ, नित्य हमेशा वापस इस जगत में ना आओ, यही प्रार्थना है। वंश और अष्टम हरी।